press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो, वेलकम एंड जय हिंद। मेरा नाम वरुण है और सरीन पाठशाला पे आप सबका ढेर सारा स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, सीबीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्या है, क्या हुआ अभी तक और आगे क्या होने वाला है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। इसको दो तरीके से आपका फ़ायदा होगा। एक तो जितना भी करंट जो न्यूज़ है वो सारी की सारी समझ आ जाएगी। इस न्यूज़ को लेने का एक कारण ये है कि मैं सिर्फ एक अप्रोच बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि आप करंट को स्टैटिक से रिलेट कैसे करें, क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादातर लोगों की यही उन्हें लगता है कि करंट कितना, मैं सीजल की बात करूं वो उन लोग को लगता है कि सिर्फ यार दो क्वेश्चन आने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीजल से दो क्वेश्चन ही करंट के आएंगे। वो करंट से रिलेटेड स्टैटिक पूछ लेता है और हमें लगता है कि यार ये सिर्फ करंट के कोई मतलब ही नहीं था। तो सिर्फ अप्रोच बिल्ड कर रहा हूं। क्या है, स्टार्ट करते हैं, लास्ट में फिर समझाएंगे एक बार के क्यों कैसे किया। सीबीआई के बारे में बात करें तो जो पर्सन, सबसे पहले पर्सन इन न्यूज़ है वो है आलोक वर्मा, एक्स डायरेक्टर। ठीक है, इन्हें हटाया गया, आपको पता है 77 डेज के बाद दोबारा वापस आए, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया, लेकिन इन्हें फिर से इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। हालांकि 31 जनवरी इनकी रिटायरमेंट की डेट थी। एक्स डायरेक्टर है, चार्जेस लगाए सीवीसी ने, सीवीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अगेंस्ट इनका केस चलता रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से एडवोकेट्स कौन है, वो सारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं क्योंकि वो सारी की सारी इसकी स्टैटिक जीएस से रिलेट करेंगे। आलोक वर्मा के बारे में पहले बात करते हैं। आलोक वर्मा की साइड से जिन्होंने कोर्ट में केस लड़ा वो है फली एस नरीमन। फली एस नरीमन कौन है, एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। एक सीनियर एडवोकेट होते हैं, एडहॉक होते हैं और अदर्स होते हैं, खैर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इनके बारे में बात करते हैं कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आलोक वर्मा की साइड से जो एडवोकेट थे। इन्हीं ये पर्सन पहले भी न्यूज़ में रह चुके हैं। किस लिए न्यूज़ में रह चुके हैं, क्योंकि 2018 का जो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड है वो इन्हें ही मिला है, फली एस नरीमन को। और अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है बिंदेश्वर पाठक को, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक कौन है, बिंदेश्वर पाठक है सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर। और अगर मैं सुलभ इंटरनेशनल की बात करूं तो हाल ही में गांधीयन पीस प्राइज मिला है 2016 के लिए, वो सुलभ इंटरनेशनल को ही मिला है गांधीयन पीस प्राइज। अब देखो, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो गांधीयन एरा अभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी हो रही है, तो उससे रिलेटेड कोई भी अवार्ड फंक्शन है, कुछ भी इवेंट है, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो रिलेट कैसे कर रहे हैं, फली एस नरीमन सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने आलोक वर्मा का केस लड़ा। अब फली एस नरीमन को ही 2018 का लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिला, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है, ठीक है, प्रशासन के लिए। 2017 की बात करूं तो 2017 का मिला बिंदेश्वर पाठक को। बिंदेश्वर पाठक कौन है, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर है, और हाल ही में अभी अनाउंस किए गए चार साल के अवार्ड, तो उनमें से 2016 का जो गांधीयन पीस प्राइज मिला वो सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए इन्होंने बहुत वर्क किया है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने आलोक वर्मा के बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ। अभी एक देखते हैं कि एक कमेटी बनी, आपको पता है कि 77 डेज के बाद ये वापस अपने ऑफिस में आए, लेकिन फिर भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक कमेटी बनी जिसने चार्जेस तो नहीं लगाए लेकिन इनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। वो कमेटी कौन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस कमेटी में तीन मेंबर्स हैं, कौन कौन है, पहले तो जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उस कमेटी के मेंबर हैं। सेकेंड है इनकी जगह चीफ, सेकेंड पर्सन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि क्वेश्चन में जब डिटेल में पूछता है तो चेंज क्या आएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एट प्रेजेंट वो है रंजन गोगोई, लेकिन रंजन गोगोई इस मीटिंग में नहीं प्रेजेंट थे, उनकी जगह जो पर्सन आए जो सेकंड सीनियरिटी वाइज है जस्टिस ए के सिकरी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो यही वो पैनल है जिसने इन्हें हटाया, और अभी आप न्यूज़ में सुन रहे हो कि एक नए डायरेक्टर बनेंगे, तो यही वो पैनल है जो नए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। अब वापस आते हैं, आलोक वर्मा के बारे में पढ़ लिया, कौन एडवोकेट थे, किसने हटाया, क्यों हटाया, चार्जेस लगे, इनको डिपार्टमेंट चेंज किया, इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, सेकंड है, अब इनकी जगह किसी को तो कुछ टाइम के लिए बिठाना था, तो इंटरिम चीफ कौन बने, ठीक है, इंटरिम डायरेक्टर कौन है, एम नागेश्वर राव, यानी कि कुछ टाइम के लिए, जब तक एक परमानेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जाता तब तक के लिए एम नागेश्वर राव न्यूज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो नए आने वाले हैं, मैंने मिस्टर एक्स लिख दिया क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि वो कौन आने वाले हैं। 12 लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है, जिनकी एक लिस्ट में नाम है, उन 12 में से जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन तीन में से एक को सिलेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है कल ही पता लग जाए कि किसे सिलेक्ट किया गया है, तो वो आपको अपडेट रखना है।
जो पर्सन इंपॉर्टेंट है, एक है वाई सी मोदी जो NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑलरेडी चीफ हैं, रजनीकांत मिश्रा जो BSF के डायरेक्टर हैं, और थर्ड जो पर्सन है रीना मित्रा जो एक सीनियर IPS है, मध्य प्रदेश कैडर की IPS ऑफिसर है। तो हो सकता है इन तीनों में से कोई अपॉइंट किया जाए, लेकिन टोटल 12 की लिस्ट है, वो जल्दी ही पता लग जाएगा। उसको उन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए भी पैनल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, और लीडर ऑपोजिशन कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। तो ये तीन पर्सन है जो इस पैनल में है, डिसाइड करेंगे कि इन्हें रखना है किसे नहीं रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वापस और आता हूँ इन्हीं के ऊपर, आलोक वर्मा के ऊपर। जो चार्जेस लगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो करप्शन केस पे चार्जेस लगे, तो उनकी साइड से जो कोर्ट में गया वो कौन है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही इन्हें कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश में आप ऐसे ही मिलेगा आपको। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट मान लीजिए कोई भी केस हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, उनकी जगह जो भी गवर्नमेंट की साइड से जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेकंड लीगल एडवाइजर कहा जाता है इन्हें। गवर्नमेंट को कोई सी किसी भी तरीके की सलाह चाहिए तो सेकंड लीगल एडवाइजर, फर्स्ट लीगल एडवाइजर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल एट प्रेजेंट है कौन, KK वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल कौन है एट प्रेजेंट, तो वो तुषार मेहता है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से जो कोर्ट में प्रेजेंट रहे वो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की तरफ से जो कोर्ट में पेश रहे इन केस के अगेंस्ट, वो है अटॉर्नी जनरल, जिन्हें गवर्नमेंट का पहला लीगल एडवाइजर कहा जाता है, तो वो है KK वेणुगोपाल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसके बारे में, कि अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल 76 यानी कि आर्टिकल 76 पार्ट 5 द यूनियन में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और ये एक एक्ट के अंडर बनाई गई, एक कानून बना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टैटूटरी, तो ये एक स्टैटूटरी पोस्ट है। इनके बाद और भी एडवाइजर्स होते हैं, डेट डिपेंड्स, वो वेरी करता है, वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल इन्हें कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर हिंदी में, और अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहा जाता है महान्यायवादी। तो इस न्यूज़ में इतना तो हम लोगों ने पढ़ा था कि CBI चीफ इन्हें हटाया गया, इनकी जगह इंटरिम चीफ ये बने, अब कुछ नए अपॉइंट होने वाले हैं। ये जो बाकी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये सारा का सारा स्टैटिक है। मैं एक एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अभी रिसेंट एक एग्जाम हुआ हरियाणा SI का, तो उसमें पूछा गया कि रानीखेत डिसीज़ क्या है। ऑप्शन थे हमारे पास, एक वायरस डिसीज़ है, प्रोटोजोआ, या किससे होती है इफेक्ट, तो उसका राइट आंसर था वायरस डिसीज़, कि वायरल डिसीज़ है, वायरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो हमें ऐसा लगा कि वो आउट ऑफ द बॉक्स है, कहीं से भी उठा के पूछ लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन अप्रैल 2018 में लगभग 100 पीकॉक्स थे जो इससे इफेक्ट हुए। हम लोग उसको रिलेट नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो कोशिश ये करो कि जब भी करंट पढ़ते हो उसको सारी की सारी स्टैटिक जितनी मिलती है, क्योंकि ये सारी स्टैटिक है हमारी, ये पॉलिटिक्स रिलेटेड है, ठीक है। इनके बारे में बात करें, सीनियर एडवोकेट क्या है, तो ये भी पॉलिटिक्स रिलेटेड है। ये अवार्ड्स आ गए तो अवार्ड्स रिलेटेड, ये एक फर्म है जिनके फाउंडर है बिंदेश्वर पाठक, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे इनको रिलेट करते रहो, इस तरीके से अप्रोच बनाओ। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।